यहाँ की पूरी कमेटी जो इस टूर्नामेंट को इतने शानदार तरीके से इस मैनपारपुर गांव में करा रही है, अपने आप में बहुत अतुलनीय है। बहुत शानदार एक टूर्नामेंट यहाँ चल रहा है, यहाँ कई जिलों से लोग आकर के यहाँ खेल रहे हैं और आपके गांव का भी बड़ा अच्छा नाम पूरे देश में जा रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। ये खेल का मुकाबला यहाँ न कोई दल होता है, न कोई जात होती है, न कोई धर्म होता है। सभी प्रकार के लोग इस तरह के प्रतियोगिताओं में साथ खेलते हैं, साथ खाते हैं और एक दूसरे के प्रति समर्पण दिखाते हैं। तो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, कितने शानदार आयोजन, इतनी शानदार पिच यहाँ देखने को मिल रही है। ये दिखा रहा है कि कितने निष्ठा के साथ आप लोग शहीद रामेश्वर यादव जी को याद कर रहे हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी शहादत दे दिया था। और इतने वर्षों से आप इस तरह के आयोजन कर रहे हैं, ये अपने आप में अनुकरणीय है कि आप अपने धरती के लाल की याद में इस तरह की प्रतियोगिता करा करके यहाँ के युवाओं के बीच में एक जोश पैदा कर रहे हैं, खेलों के प्रति अपना समर्पण दिखा रहे हैं। क्योंकि जो भी कोई खिलाड़ी होता है तो निश्चित रूप से नशे से बड़ा दूर रहता है। ऐसे में अब युवाओं को जब खेल के प्रति आप जोड़ते हैं तो निश्चित नशे से बड़ा दूर भागता है और एक स्वस्थ शरीर का निर्माण होता है, एक स्वस्थ दिमाग का निर्माण होता है, जिससे चल करके अपने क्षेत्र का, अपने प्रदेश का, अपने देश का, वो इलाका प्रदेश का नाम रोशन करता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमारे देश के जितने भी प्रतियोगिताएं विश्व हो गए, चाहे ओलंपिक हो, पैरा ओलंपिक हो, एशियन हो, आज हमारे देश के खिलाड़ी इतना शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर जो लोग टेनिस क्रिकेट खेल रहे हैं उन्हें भी शुभकामनाएं देते हैं कि टेनिस क्रिकेट आज भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त क्रिकेट है, इसमें भी नौकरियों की अपार संभावना है। ये कम लोग जानते हैं इस टेनिस क्रिकेट को भी और उनके परिवार के रामेश्वर यादव जी के पूरे पिता बैठे हैं, उनके चरणों में मैं नमन करता हूँ कि आपने अब जा रहे हैं अभी कि देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दिया है, उनकी स्मृति में आयोजन करके हम लोग यहाँ आकर के अपने आप पे गर्व की अनुभूति कर रहे हैं कि एक शहीद के गांव में हम लोग यहाँ खड़े। पूरी टीम को इतने शानदार आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। इस तरह की प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष हम कराते हैं, हम सब किसी भी राजनीतिक दल में है, ये चैंपियनशिप कराते रहेंगे, सभी का उत्साह करते रहेंगे। ये क्रिकेट का मैदान है, सभी लोगों को मिलजुल करके इसे सहयोग करना चाहिए। पूरे बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन के साथ इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में दो लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, उनके लिए हमारी कमेटी की तरफ से स्पेशल ट्रॉफी। सरवानी सरवानी से बिलोंग करते हैं, इन्होंने एपीएल कराया था अभी, जिसकी फर्स्ट प्राइज 3,33,000। भाई तालियों से स्वागत किया जाए युवाओं का और ये ट्रॉफी साथ आप भाई के लिए एक बात ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है नरेंद्र भैया, मैदान पर वापसी करते हुए अभिवादन के साथ टॉस जीता है यहाँ फाफामऊ इलाहाबाद ने उत्तम इलेवन ने और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। हालांकि पहली गेंद पर उनका निर्णय गलत साबित हुआ था, जब तालिब पठान ने रंजीत को कैच आउट करा के वापस डगआउट में भेजा था, लेकिन उसके बाद अब मुकाबले में थोड़ी देर से धीरे धीरे ही सही 4+4 ओवर के लिए यह मुकाबला खेला जाएगा। एक एक ओवर का पावर प्ले होगा और मैंडेटरी जो होता है, और बाकी 3 ओवरों के लिए आप फील्ड रिस्ट्रिक्शन पूरे मैदान में फैला सकते हैं। ताली इसी बीच एक बार फिर बल्लेबाजी रवि के लिए करीब जाते हुए गेंद को खेल लिया है, क्या बेहतरीन टाइमिंग, सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए मिट्टी के जरिए निकलते हुए और दर्शक मैदान के बाहर कैच पकड़ने ही वाले थे, उनके हाथों से वो गेंद नहीं छिटकी, 200 रुपयों का पुरस्कार छिटक गया। रवि के बल्ले से निकलता हुआ शानदार छक्का तालिब की गेंद पर, और इसी तरीके के छक्कों की जरूरत है तो भाई का देखते हैं भाई का दिया था
अभी कोई जानकारी नहीं है। आठ रनों का कुल योग, पाली का पहला ओवर, 4+4 के लिए यह मुकाबला खेला जा रहा है। रवि सामना करेंगे तालिब की गेंद का, एक बार फिर से गेंद को खोल दिया है उस क्षेत्र में, हालांकि मिड ऑफ का क्षेत्र जहां पर क्षेत्ररक्षण किया जाना चाहिए था, लेकिन वो क्षेत्ररक्षण हुआ नहीं, एक रन खाते में जुड़ता हुआ। विशाल होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज तालिब की गेंद पर अंपायर रवि और संजीव इस बात का ध्यान रखेंगे, और दोनों ही कप्तान मैदान पर मौजूद है। आप लोगों के लिए भी खास ये सूचना है कि लाइव प्रोटेस्ट की मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत पर। तालिब इसी बीच एक बार फिर हमसे दूर जाते हुए बल्लेबाज विशाल के लिए गेंद को उठा करके खेलने के प्रयास में बहुत देर तक हवा में गए, वहां पर कैच पकड़ा जाना चाहिए। अपनी प्रसन्नता जाहिर की जब विशाल के सामने उन्होंने पकड़ के लिए अपने मुट्ठियों को खींचते हुए ये इशारा किया था कि आप होंगे बड़े बल्लेबाज, लेकिन जब सामना मेरे साथ होगा तो आपको इस तरीके के शॉट से बचना होगा। और संभवतः ओवर की समाप्ति हो चुकी है, एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है विजय गिल 9 रन, और अब मैदान पर विजय गिल, बाएं हाथ के बल्लेबाज विशाल के आउट होने के बाद विजय लाइक और शेयर करते रहे, लाइक और शेयर करते रहे। और इन दोनों बल्लेबाजों से जरूरत है यहाँ पर उत्तम इलेवन को, एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी दर्शक भी देखना चाहते हैं, तो शहरिया के कप्तान ये चाहते होंगे कि क्षेत्ररक्षण में जिस तरीके से हमारी टीम शानदार कर रही है उसी तरीके का कोई एकाद ओवर और निकल जाए ताकि बड़ा जो स्कोर बनाए ये उत्तम इलेवन उससे बचा जाए। बाद में बल्लेबाजी करनी है शहरिया की टीम को, जितना कम रन वो बनाएंगे उससे बचाना डिफेंड करना उनके लिए आसान होगा। पांच ओवर और अजीब, जिन्होंने की पिछले मैच में शानदार गेंदबाजी की थी उनकी गेंदबाजी की बदौलत ही सहरिया की टीम जो एकदम पूरे तरीके से मुकाबले से पार दिखाई दे रही थी वापसी कर पाई। अजीब अपने ओवर की पहली गेंद बल्लेबाज रवि के लिए पैरों के करीब जाकर के गेंद यहां तक लटकी, जब तक उनके बल्ले के करीब जाती तब तक एक रन बनाने का मौका। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अजीब तेज गति से गेंदबाजी करा रहे हैं, बल्लेबाज रवि को जब वो छका रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी गेंदों में विविधता है और वो विविधता पहले मैच में भी देखने को मिली थी। सामना उनका विजय सहनी के साथ जो कि अपने साथियों के बीच में गिल के नाम से जाने जाते हैं, और गिल के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, पिछले मुकाबले में कुछ खास गेंद कर नहीं पाए थे, क्या वो मुकाबला उनके लिए कुछ सबक दे पाएगा। आज ही फील्ड में थोड़ा परिवर्तन कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बारीक मार पर पूरे तरीके से तैयार एकदम, विकेट कीपर वहां थोड़ा सा क्लोज होते हुए उन्होंने अंपायर की तरफ इशारा किया कि इस बात को नोटिस कर लिया जाए। आज ही धीरे धीरे कदमों से बल्लेबाज के करीब जाते हुए अच्छी गेंद वहां पर विकेट कीपर को छकाती हुई, थर्ड मैन जो एकदम 30 गज सीमा रेखा के अंदर दिखाई दे रहा था बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, उनके करीब गेंद पहुंची, रन बनाने का मौका, एक रन खाते में जोड़ता हुआ रवि होंगे स्ट्राइक पर, नॉन स्ट्राइक पर विजय गिल पहुंच चुके हैं। 4-4 ओवर का मुकाबला और जिस तरीके से यहां गेंदबाजी कर रही है सहरिया की टीम, निश्चित रूप से उन्होंने अपने कप्तान को, टीम मैनेजमेंट को, दर्शकों को इस बात के लिए प्रभावित किया है कि इस तरीके से गेंदबाजी की जाए तो चाहे कोई कितना भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो उन्हें परेशान किया जा सकता है। पहला ओवर तो तालिब का क्या शानदार गुजरा था, और इस ओवर में आसिफ अभी तक शानदार गेंदबाजी करते हुए रवि ने गेंद को खेला, उस क्षेत्र में कोई भी खिलाड़ी का विकेट गिरता हुआ उनके हाथों में मारे थे, तालिब के हाथों में कैच कराया आसिफ ने, सफलता दिलाते हुए विकेट लेते हुए यहाँ पर बड़ी मछली को जाल में फंसाया। वापस जाना होगा रवि को, और अब खुद कप्तान शहबाज और मैक्सी मैदान पर आते हुए, निश्चित रूप से यहाँ सहरिया के गेंदबाजों ने स्थितन भा दिया है उत्तर इलेवन इलाहाबाद के खिलाफ, क्या शानदार गेंदबाजी इन गेंदबाजों की, इन दोनों निहालों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। जिस बल्लेबाजी क्रम के सामने वो गेंदबाजी कर रहे हैं वो भारत में सबसे मजबूत बल्लेबाजी क्रम कही जाए तो गलत नहीं होगा, उस टीम के खिलाफ ये खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से सामान्य पूर्ण तरीके से बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं निश्चित रूप से उनके टीम मैनेजमेंट के लिए यह सुखद होगा। बैकफुट पर अब दिखाई दे रही है उत्तम इलेवन की टीम, मैदान के बाहर जा चुके हैं
डेढ़ ओवर का मैच चल रहा है, डेढ़ ओवर का मैच हो चुका है, 11 रन बने, 3 बेशकीमती विकेट, पांच ओवर का परिवर्तन कर रहे हैं, 4 ओवर रवि के आउट होने के बाद जो बैकवर्ड स्टाइल एक डीप में दिखाई दे रहा था उसे अब अंदर बुला लिया है। वो थाई लेग का एरिया 30 गज सीमा रेखा के रूप में मौजूद, अजीब ज्वाइंट को थोड़ा सा वाइडिस कर रहे हैं 30 गज सीमा रेखा पर, कवर का क्षेत्र डीप बाउंड्री पर दिखाई दे रहा है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर दिखाई दे रहा है। सहवाज ने गेंद को रिवर्स स्विंग करने के अंदाज में खेला है, जब तक कोई भी खिलाड़ी छक्का छक्काने के लिए मैदान पर गेंद के पीछे आता तब तक गेंद तेज गति से सीमा रेखा के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए, इस चौके के साथ इस स्कोर में इजाफा होता हुआ। दूसरे ओवर की प्रगति पर 15 रन, जबकि विकेटों का नुकसान 3 हो चुका है। 3 बड़े बल्लेबाज मैदान में डगआउट में मुकाबले का आनंद लेते हुए, सहवाज जो की टीम के कप्तान है उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। इस मुकाबले में उत्तम 11 को यदि बने रहना है तो मुझे लगता है कम से कम 50 प्लस का स्कोर जरूर 4 ओवर में होना चाहिए, क्योंकि छोटे को यदि छोड़ दिया जाए तो अभी तक बहुत प्रभावित किया है अजित ने अपने ओवर की अगली गेंद में करके बल्लेबाज सहवाज के लिए गेंद को खेलने का प्रयास है, उसका कामयाब होते हुए गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ, अंपायर का इशारा अभी आ रहा है, 6 रन सीमा रेखा के बाहर जाते हुए बैट भेज कर ले गई है। जुड़े मैन पार वासी हमारे जो लाल टी शर्ट वाले जो हमारे तमाम सहयोगी कर रहे, गेंद गई ढूंढ कर लाए, ओवर टू कमेंट्री धर्मेंद्र सर। और अजीब जो अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे पिछली गेंद पर चौका खाने के बाद अचानक से उन्होंने अपना संतुलन खो दिया और ये गेंद ऑन साइड में करा बैठे लेग साइड में बल्लेबाज के लिए, और वो क्षेत्र सबसे मजबूत क्षेत्र होता है किसी भी बल्लेबाज का, ऑन साइड बहुत मजबूत होता है और मैक्सी का तो ऑन साइड वैसे भी बहुत मजबूत है। पहले मुकाबले में देखने को मिला था जिस तरीके से उन्होंने 2 छक्के लगाए थे पहले मैच में सीआरपीएफ के खिलाफ, नो बॉल का इशारा वहां पर अंपायर का, फ्री हिट का मौका बनेगा, जीवनदान मिलता है यहां पर सहवाज के लिए, जीवनदान ये फ्री हिट, ये नो बॉल मुश्किल हालात पैदा कर जाएगी सहरिया टीम के लिए। सहवाज है ना स्टे की, हां यार वो तो किसी भी तरीके से सिर्फ रन आउट का मौका होगा, स्टंपिंग का मौका होगा। आसिफ एक बार फिर अच्छी गेंद वहां पर बल्लेबाज को परेशान करती हुई विकेट कीपर के पास पहुंचती हुई, रन बनाने का मौका नहीं और फ्री हिट पर इस तरीके से यदि डॉट बॉल हो जाए तो निश्चित रूप से ये गेंदबाज की तारीफ करनी होगी। और अब आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं अपने साथी कमेंटेटर शाह अफगान को आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया। तो 73 में लग रहा है ये गेम, अभी हमें कुछ कर रहा है फाफा मऊ प्रयागराज उत्तम 11 कुछ कर नजर आ रहा है, एक जीवन दान उसे मिला था कहा जाए कि वो अगर नो बॉल नहीं होती तो मैक्सी भी वापस जाते, लेकिन चार लखनऊ में इस वक्त बेस्ट साइट चल रही है एचएम ग्रीन सिटी धमाकेदार ऑफर के साथ, आप लोग अबू सईद खान से संपर्क करें, ये उनका नंबर है स्क्रीन पर। एक बार में 3 विकेट निकाली थी जब 6 गेंद पे 11 रन चाहिए था, क्योंकि साथ के वाला के बाद देखिए प्रिय अच्छी के बाद देखिए आज 2:40 रन तैयार है बाल करने के लिए, तारीफ के साथ रेहान संजीव छोड़ से के बाद हो रही है, रेहान संजीव को विलेन से रहना शुरू किया, जब तक पाचे गेंद चलेंगे हो रही है तारीफ पठान के द्वारा, तो बीट कर लिया है यहाँ पर विजय गेल, काफी बेचैन हो रहे हैं, विजय सहानी नाम है लोग प्यार से इन्हें गेल कहते हैं, 4-4 का मुकाबला है, 4 ओवर के मुकाबले में ना कोई टीम बड़ी है ना छोटी है, ताली अपना ये दूसरा ओवर कर रहे हैं, होना तो ये चाहिए कि 4 गेंदबाजों का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 गेंदबाज नजर आ रहे हैं, देखिए कि तुमने रन के साथ जा रही है 4 ओवर के लिए और ये 4 नो बॉल है और स्टेपिंग से हिट का ऐलान पंजाब ही जाएगा, 5 रन से 5 के साथ इसको जब पहुंचा अब यहां पर 29 तो उस तरह से आप लोग इसे कंट्रोल करना होगा, वक्त है बाद में बल्लेबाजी खुद करनी है आपको, सहरिया आधुनिक फर्नीचर सहरिया बाद में बल्लेबाजी आपको करनी है, फटाफट आप लोग खेल दिखाए, 32 रन बन चुके हैं, इसके बाद 2 रन इसके बाद 1 रन शेष है, तो भी इस की एक ही गेंद लीगल हुई है, ये फ्री हिट है, इस पे क्या करेंगे विजय गेल, विजय गेल
के लिए तैयार है तालिब पठान। सोचते हुए अपने गेंदबाजी करने के तैयार हो रहे हैं। एक लंबे वाली बात के साथ दौड़ना शुरू किया, गिफ्ट पहुंचे और टाटा कहते हुए पहुंचे विकेट कीपर के पास। ये फील्ड का कोई एडवांटेज नहीं ले पा रहा है उत्तम इलेवन प्रयागराज फाफा मऊ उत्तम इलेवन की टीम। दोनों मैंने कहा हम फ्री हिट को बेकार किया है, व्यस्त किया है। अब यहाँ पर तालिफ फिर तैयार है। विजय गेल के लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। ये टूर्नामेंट जो मैन पार्क को 2023 का नाम दिया गया है, इसमें जिसकी याद में रामाश्री यादव, सही रामाश्री यादव की याद में टूर्नामेंट है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी हो रही है और ये तालिब मैक्सी कह रहे भैया आप जाइए, आप विजय गेल जाइए अपने विकेट दीजिए और ये रन आउट। तो ये मैंने कहा हाँ ये रन आउट हुए हैं, बिल्कुल क्रीज में खड़े थे, अपने विकेट को छोड़ दिया था, अब पहुंचेगा बल्लेबाज आएगा बल्लेबाजी के लिए। तो इसको रुका होगा भी यहाँ पे 32 रन, तीसरा ओवर जारी है, 4+4 का मुकाबला है। शहीद रामाश्रय यादव की स्मृति में आयोजित ये मैन पार्कपुर कप 2023 जिसकी फर्स्ट प्राइज बुलेट है, सेकंड प्राइज स्प्लेंडर है, सीरीज है। ऐसी बहुत सारे नाम यहाँ भरे पड़े हैं, दर्शकों के लिए नाम है, क्राउड कैश कीजिए आपको इनाम मिलेगा। और यहाँ पर तो 45 ऐसी टी शर्ट आई है जो बैठ कर क्राउड कैश करेगा उसे बहुत इनाम मिलने वाला है। कुछ बैनर लगाए गए हैं जो उस पर स्टोक खेलेगा 500 का इनाम मिलेगा और तनवीर का 100 रुपए की इनाम मौजूद यहाँ पर है और सातमान आपका भी 500 रुपए की इनाम है। बैनर पे आप स्टोक लगाया था, ये सब इनाम घर लेके जाइएगा। शहबाज भी आउट हो गए, दोनों चले गए एक साथ, दो गेंदों पे दो विकेट, एक रन आउट और एक कार्ड बिहाइंड। तो क्या उत्तम इलेवन फसा बहुत की फंस रहा है, स्कोर 32 रन, तीसरा जारी है और तालिब पठान बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत ही एक उत्सुकता के साथ पैनपन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। महेश आए हैं, क्या बोला जाए, कितनी अच्छी बॉलिंग तालिब की, कितनी अच्छी बॉलिंग है बता नहीं सकते, बस खतरे में रहेंगे, बहुत अच्छी तो चार ओवर में साफ ही देखा जा सकता है। चार विकेट अब तक ले चुके हैं, तीन विकेट तैयार है और तीनों बहुत ही अच्छा, बहुत डिलीवरी, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरती के साथ उसी एक्शन में गेंदबाजी की, सो कर बैठे थे और वक्त खराब ना था दोस्त, बहुत पुराना मुकाबला चल रहा है, स्कोर अभी रुका हुआ 32 रन। इस ओवर में दोस्त 5 रन आए हैं और जो आया था दोस्त वाइट आया था, उसके बाद निगरानों की कुछ बेचैनियां बढ़ी हुई है। स्कोर 32 है, क्या होगा इस गेंद पर, क्या करेंगे महेश के लिए तालिब पठान। रेहान सिंधरी पवेलियन से गेंदबाजी कर रहे हैं, कुछ सोच सोच के अपनी गेंद को शो करना होगा, तैयार हैं और ये और एक बार और ये ओवर आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी की गई है तालिब पठान के द्वारा। दो ओवर की गेंदबाजी की, ये तालिब कितने रन दिए हैं दो ओवर में, मैं जानना चाहूंगा अपने स्कोर से। और ये रामाश्रय यादव द्वारा जो नाम से टूर्नामेंट खेला जा रहा है, जो शहीद है जिनके नाम से ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है, मैं उनका भी शहीद को सैल्यूट कर रहा हूँ, उनके परिवार को सैल्यूट कर रहा हूँ। बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग किया अमित ना, चलिए अब एक बार फिर से आ रहे हैं अमित अगले मैच के, समझ लो मैच विनर ही था अमित। दो ओवर में तालिब ने 14 रन खर्च किया, एक ओवर में 11 रन नहीं दिया, 8 रनों से जीता है। चार ओवर के मैच अमित पार्टी करने के लिए आए हैं जो पिछले ओवर के हीरो हैं, पिछले ओवर में एक ओवर में 3 विकेट हासिल किए थे अमित को। अमित एक बेहतर रफ्तार के तेज रफ्तार के गेंदबाज हैं, यही वर्ष संभालना है सहनिया को, आधुनिक फर्नीचर को और इसी वर्ष को बड़ा करना है फाफा मऊ उत्तम इलेवन को, तब काम बनेगा। अमित ये जाना जिस तरह से क्या और ये बेहतरीन स्ट्रोक खेला है, फील्डर वहां पे आए हैं और ये फील किया जाएगा, मात्र एक रन मिलेगा। अच्छा थ्रो किया अबुजर ये खेता सहायक है, ये जहानागंज जिस तरह से रहे हैं अमित, ये जहानागंज के सरकार के बेहतरीन ये गेंदबाज है, ऑलराउंडर हैं
स्कोर 30 रन, 5 गेंदें बची हुई हैं। रोहित मिश्रा जी मैं देख रहा हूं कि वक्त को देखते हुए हर संभव प्रयास की फटाफट मुकाबला खेला जाए। तैयार की पारी करने के लिए अमित थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचे गए करेंगे महेश को और फिर घूम कर खेलने तो जिस विषय गेंद लगी मात्र 1 रन मिलेगा। स्कोर इसी 1 के साथ 31 31 तो उत्तम 11 फाफा मऊ दबाव में देखे जा रहे। स्कोर 31 से 4 गेंदें बची हैं, 4+4 का मुकाबला है। ये दूसरा मुकाबला अपना टीम खेल रही है, ये दूसरा मुकाबला खेल रही है। बेहतर बन कर रहा ये अबू सर आप तैयार एक मौका फिर और फिर तैयार फिर से अमित की बॉलिंग। तो उत्तम 11 के पसीने छूट रहे हैं, उत्तम 11 फाफा बहु के मैं देखा पसीने छूट रहे हैं। मात्र 31 बना है और अभी 3 गेंदें बची हुई हैं। इस ओवर में अब नहीं तो कब, अब रन नहीं बनाएंगे तो कब रन बनाएंगे। बल्लेबाजों को अब एक्सीलेटर से पैर रखना होगा, टॉप गियर में आना होगा। अमित तैयार है और एक बार फिर से दो बिंदी गेंदें हुई हैं। ये बिंदी गेंदें झकझोर देती है पूरी टीम को, बेचैन कर देती हैं। और अमित जो जहांगंज एक्सप्रेस कहा जाता है आज अपनी रफ्तार से बीट कर रहा है। ये विकेट जरूर से मिटेड है लेकिन जरा बल्ले गेंदबाजों को कुछ कुछ सपोर्ट फिर ये और एक बार देखना है वहां पर है फील्डर लेकिन वहां पर आप देख रहे हैं कि सटीक तो खराब हो जाएगा यही टीम को कमजोर करेगा। अब थोड़ा किस रन हो चुका 35 रन तो फाफा बहु कह रहे हैं कि अब अगर चौके छक्के नहीं लग रहे दौड़ के ही रन पूरे किए जाए तो तोड़कर 4 रन पूरा कर लिया 35 रन की मरता क्या न करता। 4 रन क्यों नहीं लेता, उन्हें मालूम है कि अब यहाँ पर सर्वोत्तम प्रयास है। विकेट बचाकर कोई बहुत महत्व नहीं है, 3 विकेट जरूर गए हैं लेकिन हाँ फील्ड में कहूंगा हर एक रन की बड़ी कीमत है। तैयार है अमित थोड़ा शुरू किया, विकेट पहुंचे गए करेंगे एक बाहर किया चुपके बाद 42 करोड़ से 1 के साथ 36। यही के दबाव में खिलाड़ी आते हैं रोज तो यही सब देखने को मिलता है रोज जो दबाव में खिलाड़ी आते हैं। एक बेहतर खेल आज आपके सामने चलता नजर आ रहा है और ये बेचैनी में दोनों टीम देखी जा रही है, बहुत बेचैन है। ट्राई कर रहा है फाफा बहु की कुछ रन बन जाए, हम मुकाबले बने रह जाएं। ये बड़ी टीम है और मैं बता रहा कि सत्य को बता रहे थे कि रवि के लिए पूरा गांव बेचैन था, रवि बनारसी के लिए पूरा गांव बेचैन था कि वो कब आएंगे। आज उनकी टीम आ रही है लेकिन आज खेल नहीं उस अंदाज का है। तुरंत फिर पान को तरतीब दें तो दोस्त कितने रन बने हैं टोटल 39 का टारगेट आज रोज 40 का टारगेट है और तुरंत फील पॉइंट को तरतीब दें। बड़ी मेहरबानी होगी दोस्त, फील पॉइंट को तरतीब दें और ये बहुत ही प्यारा खेल होने वाला है। इस खेल में आपको बहुत बेचैनी के साथ क्रिकेट खेलना होगा, फाफा बहु को अपने फील्डरों को तरतीब देना होगा, गेंदबाजों के साथ चिपके गेंदबाजी करनी होगी और आज काफी बेचैन लगे हैं कितने समंदर पी गए क्या सही घबरा के पत्थर पी गए। तुरंत फील्ड पॉइंट को तरतीब दे, ये मुकाबला बहुत शानदार होगा। 42 बने हैं और तुरंत बॉल पहुंच जाए, बॉल पहुंचा देगा हम पर बॉल पहुंचा दे तुरंत क्योंकि 4 रन का मुकाबला है। 10 रन हर बार में इस इनिंग में पहले दो ओवर में क्या होने वाला है उसके साथ मैं जोड़ रहा हूं अपने कमेंटेटर सीनियर कमेंटेटर धर्मेंद्र सिंह को। बॉलर कौन फेंक सकत है आइडिया सही अल्तमास वर्सेस आजाद सहरिया की टीम ने पूरे तरीके से यहाँ पर झंडे गाड़ दिए हैं। मुकाबले का नतीजा कुछ भी हो लेकिन आज सहरिया के गेंदबाजों ने अपनी गेंदबाजी से अपने खेल से यहाँ अपने दर्शकों को अपने कप्तान को अपने टीम मैनेजमेंट को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है
कि चाहे टीम कितनी भी बड़ी हो, आप लग करके जज्बे के साथ यदि खेलते हैं तो वो उत्तम इलेवन फाफामऊ जैसी टीमों को भी परेशान कर सकती है। हालांकि मुकाबले का नतीजा अभी तक आया नहीं है, लेकिन नतीजा यदि देखा जाए तो मुझे यहाँ पर उत्तम इलेवन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सहरिया की बल्लेबाजी जिस तरीके की जानी जाती है उसे देख करके इस चार ओवर के मुकाबले में 39 रनों का विनिंग टारगेट जो होगा वो मुश्किल हालात उत्तम इलेवन के लिए पैदा करेगा। हालांकि डगआउट से आते समय सारे खिलाड़ियों ने आपस में कुछ चर्चा जरूर की है, टीम हडल बना करके इस बात की चर्चा की गई है कि क्या इस 38 रन के जवाब में 39 को बनाने से रोका जा सकता है सहरिया की टीम, तो सहरिया के दोनों ओपनर बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, अल्तमश और शहजाद दोनों ही छोटी उम्र के खिलाड़ी, लेकिन छोटी उम्र में इन्होंने बड़े बड़े कारनामे कर दिखाए हैं, बड़े बड़े गेंदबाजों को पानी मांगते हुए देखा गया है इन दोनों बल्लेबाजों के सामने। बहुत सारे मुकाबलों में इन बल्लेबाजों को मैंने बल्लेबाजी करते हुए देखा है यूट्यूब पर और फेसबुक पर लाइव, आजकल तमाम लोग इस तरह के मुकाबले को कर रहे हैं। इस पूरे मैच पर तो कप को भी कस्बा माहौल स्पोर्ट्स चैनल और आजमगढ़ क्रिकेट लाइव MS स्पोर्ट्स लाइव पर आप पूरी प्रतियोगिता को कहीं भी बैठे हुए हो आप यूट्यूब और फेसबुक पर देख सकते हैं। तालिब पहला ओवर, तालिब सामने है शहजाद, फिर 39 का टारगेट। ओवर की शुरुआत हो चुकी है, पहली गेंद ढीले हाथों से खेला, टैप कर दिया था, कमर के क्षेत्र में रवि मौजूद थे, वहां पर 30 गति में रेखा पर क्षेत्र रक्षण किया गया, रन बनाने का तब तक मौका, और इस तरीके से एक एक रन जो आते रहेंगे, बीच में जो खराब गेंदें मिली उसे सीमा रेखा के बाहर भी पहुंचाते रहेंगे तो मुकाबले को आसानी के साथ सहरिया टीम अपने पक्ष में ले जा सकती है, और यहां से उत्तम इलेवन को मुकाबले में सिर्फ तभी बचाया जा सकता है जब वो विकेट हासिल करें। गेंद को ऊंचा खेलने के प्रयास में रवि शानदार तरीके से जिस तरीके से ढीले हाथों से रन लिया था उसी तरीके की जरूरत थी यहाँ पर अल्तमश को, लेकिन आने के साथ ही वो तेज शुरुआत करने के चक्कर में अपना आपा खो बैठे, ऊंचा मारने के चक्कर में बहुत लंबा खेल गए और गेंद ने ऊंचाई तो जरूर हासिल की, लंबाई हासिल कर नहीं पाई, विकेट मिलता हुआ यहाँ पर अल्तमश आउट हुआ। हाँ भाई मैं आपका कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ वरना रिप्लाई जरूर करता, क्या मसला है ये ऐप का। तालिब ने सफलता दिला दी है और कप्तान शहजाद ने जो विश्वास दिखाया था तालिब के ऊपर उस पर अभी तक खरे उतरते हुए अबूजर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। तमस के आउट होने के बाद तालिब अपने ओवर की अगली गेंद सफलता मिलती हुई यहाँ पर उत्तम इलेवन को, और इसी तरीके की चर्चा हो रही थी आसानी के साथ ये सहरिया के पक्ष में मुकाबला जा सकता था, लेकिन अब जा रहे हैं यासिर भाई, लेकिन जिस तरीके से जो भी बल्लेबाज आ रहा है वो गेंद को हवा के खेलने का प्रयास कर रहा है, विकेट मिल रहा है तालिब को अपने हैट्रिक विकेट पर, यहाँ यदि वो हैट्रिक बना पाते हैं तो 1500 रुपये का पुरस्कार इस प्रतियोगिता में तमाम लोगों की तरफ से रखे गए हैं, 1500 रुपए उन्हें हैट्रिक विकेट लेने पर एसएस लैपटॉप और जफर अयूब भाई गौरी की तरफ से 1000 रुपए और 500 रुपए एसएस लैपटॉप की तरफ से, क्या वो हैट्रिक विकेट बना पाते हैं। हालांकि मुकाबले में सुबह से ही कई बार ऐसे मौके आए कोई बना नहीं पाया, तालिब अच्छी गेंद यहाँ पर बैट फुट पर जाकर के कट कर दिया था, शानदार क्षेत्र चलो वहां पर पॉइंट और कवर के बीच में दौड़ते हुए शहबाज ने, निश्चित रूप से यदि गेंद उनके पीछे की तरफ गई होती तो 4 रन वो बचा नहीं पाते, अपनी टीम के लिए मजबूत 3 रन बचाते हुए और छोटा सा जो टारगेट उन्होंने दिया है इस तरीके का क्षेत्र उन्हें करना ही होगा तभी इस मुकाबले में आप बने रह सकते हैं, अन्यथा मुकाबला हार करके बाहर होना होगा। जिस तरीके से 38 के जवाब में 39 रनों की जरूरत है सहरिया टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए, और उनके बल्लेबाज शहजाद ने जिस तरीके से शुरुआत की थी उसे देख करके आसान लग रहा था तालिब की गेंद पर सूचित करने का
से उसका प्रदर्शन यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक उसी के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए सहरिया की टीम मुकाबले में बहुत अच्छे के साथ वापसी कर चुकी थी। 38 रन मात्र उन्होंने बनाने दिए थे उत्तम इलेवन को, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर गेंदबाजी के दौरान तालू ने वापसी कराई अपनी टीम को, वो दिखाई दे रहा है। अपने साथ में अब क्योंकि सारे नामी खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, सामान ये है जो लंबे हिट कर सकता है सामान बल्लेबाजी के लिए। 18 बॉल पे 37 रन की जरूरत अब यहाँ से मैच जीतने के लिए, और मैचों पर आऊंगा। हाँ, अरे वो और घूम का खेल है लेकिन ये अंपायर कुछ एक्शन में है। जी हाँ, ये रवि मिश्रा जी है, इनका एक्शन में है, चारों तरफ घूमते रहते हैं बिल्कुल। और ये भाई इसको रुचिए के साथ जो पहुंचा हुआ अभी यहाँ पर देखा रहा होगा 39 रन के लिए। आज फाफा मऊ का दिन बहुत अच्छा नहीं है, मैच जरूर जीत रही है लेकिन हारते हारते जीत रही है, तो आज यहाँ पर क्या करेगी। इससे पहले पहला मुकाबला टाई हो गया, फिर 22 रन का टारगेट दिया, मात्र 1 रन से टीम जीती। तो ये सारे लोग लाइक को शेयर कर दे, सारे लोग की क्या पता है मेरे भाई भाई का इशारा आ रहा है। ये रवि मिश्रा जी हैं, क्या हर्ष काफी बाहर के बाहर कर रहे हैं, स्कोर 1 के साथ का पहुंचा है 10 रन। इसको यह बच्चा है 10 रन और आसिम आसिम खान नसीरपुर, जो नसीरपुर के केआर टीम कैप्टन वो भी देखे गए कि आज इस खेल के साथ जुड़े हैं। शुक्रिया, वेलकम, तैयार हर्ष विकेट पहुंचे यासिर को हो कह सकता है कब हुआ, लेकिन वहां पे ना बोलेगा चार बन है यासिर बोल रहे हैं और ये बच जाएंगे। और हमेशा किस्मत बहादुरों का साथ देती है, जहां एक भी रन नहीं था ना वो दिख रहे थे दो रन निकाला, यही सादमान कह रहे हैं कि फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होना चाहिए। दो रन के साथ स्कोर 12 है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा 12 रन। हर्ष के बारी करेंगे, अच्छी गेंद थी यहाँ पर, इस तरीके से टैप का चक्कर था लेकिन यहाँ पर 2 रन जो आने निकाला। सादमान बता रहे हैं यासिर भाई देखिए विकेट का कोई महत्व नहीं है, रन का बड़ा महत्व है। मैच में जोड़ दिया जा रहा है मैन ऑफ द मैच सुरैया बेडी ने गूगल एंड एमएमए स्पोर्ट्स 77। फिर घूम का खेल जिसमें से गेंद लगी है मना कर दिया, तो यासिर अरफात मौजूद हैं जो एमएमए स्पोर्ट्स 77 हैं। और यासिर अरफात आपका बहुत शुक्रिया। और आसिम खान मैंने कहा ना कि जो एके अनुसीपुर टीम कैप्टन है इस खेल से जुड़े हैं, शहनवाज सेवानी जो एपीएल चेयरमैन है अगली सम्मानित कर किया ये कमेटी, तो बहुत प्यारा ये कप चला है मैन पावरपुर कप, क्विट कप का नाम दिया गया, लेकिन जो रियल चीज दी गई है बॉलर्स और शीर्ष मर्तबा खेला जरूर है कि वहां पे आए हैं दीप से भागते हुए एक मिले राजगढ़ सी एक के साथ जा पहुंचा अब यहां पर 13 रन 39 के जवाब में। शहीद रामाश्री यादव के स्मृति में आयोजित मैन पावरपुर कप 2023 का पहला दिन, पहले दिन का ये तीसरा मुकाबला 4+4 का खेला जा रहा है। इस मुकाबले में लाइव दिखा रहे हैं कस्बा महल फेसबुक पेज और आजमगढ़ क्रिकेट लाइव एमएस स्पोर्ट, ये तीन चैनल दिखा रहे हैं। कल और आने वाले हैं, एनसीएल जफर भी आने वाले हैं और चैनल भी आने वाले हैं, तो बहुत सारे लोग इस खेल के साथ जुड़े हैं, क्यों न जुड़ेंगे। ये वीर सपूतों का ये टूर्नामेंट है और इस सादमान को वहां पर मैं देख रहा हूं कि ये घूम का खेल होते कामयाब नहीं है, कोई तो ऐसा वक्त ना ले। ये दूसरा रन है 42 के जवाब में 13 रन बच चुका है, इसमें एक लंबा स्ट्रोक यासिर मार्क किया है सादमान से, सादमान और बल्लेबाज जिन्होंने 500 के इनाम जीता है डायरेक्ट पे स्ट्रोक लगाया था। हर्ष बिट करने में कामयाब, दो की समाप्ति पे स्कोर 13 पहले में
दो रन आया था, तीसरे में एक दूसरे में 11 आया है। तीसरे रन में क्या कुछ होगा मैं जोड़ूंगा अपने साथी कमेंटेटर को। मुकाबले में यहाँ अच्छी वापसी करती हुई उत्तम इलेवन इलाहाबाद की टीम, हालांकि अभी भी मुकाबला खुला हुआ है दोनों ही टीमों के लिए। बारह गेंदों पर 26 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए, और वो 26 रन बनाने के लिए कुछ आपको दशनीय स्ट्रोक लगाने होंगे, कुछ पहुंचानी होगी, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। सिंगल डबल से कुछ होने वाला नहीं है। 40 जो गेंदबाजी किए थे, 3 सफलताएं उन्होंने अर्जित की थी। तालिक को मोर्चे पर वापस लेकर के आए हैं, और वापसी उन्होंने वहीं से की जहां अपने पहले ओवर की अंतिम गेंद को खत्म किया था। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो 6 गेंदों के अंतराल के बाद गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। पूरे लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए उत्तम इलेवन के लिए वापसी कराते हुए तालिक अपने ओवर की अगली गेंद लेकर के बल्लेबाज के करीब जाते हुए लगातार डॉट बॉल हो रही है। जितनी ज्यादा डॉट बॉल हो रही है वो ताबूत में अंतिम कील ठोक रही है। निश्चित रूप से यहां पर सहरिया की टीम के लिए अब मुश्किल हालात हो चला है। 10 गेंदों पर 26 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। गेंद को ऊंचा खेला, उसके नीचे आ रहे हैं खिलाड़ी, लेकिन क्या वो कैच के लिए जाएंगे? जी नहीं, कैच के लिए वो गए नहीं। रंजीत और विजय दोनों पहुंचे थे, लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए रंजीत आए थे, मिड विकेट से दौड़ते हुए विजय पहुंचे थे गेंद के करीब, लेकिन गेंद को पकड़ने का कोई जोखिम उन्होंने उठाया नहीं। आउटफील्ड थोड़ी स्लो है, गेंद गिरने के बाद वहीं पर तब सी जा रही है। मैदान पर जब 30 तारीख को मुकाबला शुरू होने वाला था तो बरसात हो गई थी, जिसकी वजह से आउटफील्ड स्लो हो गई। ये मैदान स्टेडियम कोई है नहीं, लेकिन मैं पर पूर्ववासियों ने इसको स्टेडियम सा बना दिया है। तालीब अपने ओवर की अगली गेंद ले करके फिर से बल्लेबाज को परेशान करती हुई डॉट बॉल होती हुई विकेट कीपर महेश के पास पहुंचती हुई रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। और मैं पहले ही चर्चा कर रहा हूं कि मुश्किल हालात होता जा रहा है सहरिया टीम के लिए। हालांकि सहरिया ने पहले गेंदबाजी करते हुए बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, उत्तम इलेवन को मात्र 38 रनों पर रोक दिया था, लेकिन वो 38 रन भी बनाने के लिए साबित हुई, रन वो बने नहीं। गेंद आ रही है विजय के पास, उसको गेंद दिखाई दी नहीं, वहां पर गेंद दिखाई दी नहीं उनको, जब तक रंजीत आते और दोनों खिलाड़ियों के तालमेल की वजह से ये गेंद रुकी वहां पर। रंजीत और विजय इस बात की चर्चा कर रहे हैं, अपने कप्तान को हाथ दिखा रहे हैं कि गेंद तो दिखाई दे नहीं रही है। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो सीमेंटेड पिच पर गेंदें गिरने के बाद स्किप होती हुई विकेट कीपर की तरफ जा रही है, तो लाल गेंद वो दिखाई दे नहीं रही होगी। हालांकि आदर्श क्रिकेट में ये तब होता है जब लाल गेंद रात में न होती। इसी बीच तालिब अपने ओवर की अगली गेंद लेकर के बल्लेबाज को परेशान करते हुए विकेट कीपर के हाथ में पहुंचे, रन बनाने का कोई भी मौका नहीं। 2 ओवरों का पूरा स्पेल इनका खत्म हो चुका है। क्या शानदार गेंदबाजी है आज इस यहां पर तालिब का, मैं अपने स्कोर से जानना चाहूंगा। दो ओवरों का जो बॉलिंग एनालिसिस है तालिब का, 3 विकेट इन्होंने अर्जित किया, मात्र 5 रन खर्च किए 39 के जवाब में। क्या बेहतरीन गेंदबाजी फाफा मऊ इलाहाबाद की टीम यदि मुकाबले में वापसी कर पाती है, इस मुकाबले को जीत पाती है, तो निश्चित रूप से ये प्रदर्शन तालिब का ही रहेगा शानदार। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर शाह अफगान भाई शुक्रिया। तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आ रहे हैं रबाडा, किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, उनके सामने है यासिर। यासिर को बहुत करना होगा, मात्र 16 बना है 49 के जवाब में, 23 रन चाहिए, 6 गेंद 23 रन, मुश्किल है नामुमकिन नहीं। नवारा तला दोस्तों क्या जो तो पैसे गेट रहेंगे और फिर बीट करने में कामयाब हुए हैं, फिर बीट करने में कामयाब 5। अभी बल्लेबाज जा रहा है, बल्लेबाज को दो आउट होकर वापस जा रहे हैं। यहां पर ये रिटायरमेंट हो रहे हैं, अपने आप से बता दें तो मैं रिटायरमेंट हूं। अब तालिब को बनाया गया, 16 रन बना है दोस्त, 5 गेंदों पर 23 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। तालिब पठान को कॉल किया गया है, तुरंत दोस्त आ जाए आउट, वहां पर बताए हैं अभी अंदर मिश्रा जी हैं संजीव सर ने ये दोस्त तेजी का खाता आप लोग आया तो बेहतर होगा। 5 गेंदों बचे हैं, कल वक्त पेटी में आए तो बेहतर होगा, सुपर ओवर चीज को सुपर ओवर
और ये जो कमेंट्री बॉक्स इसको भी चेंज किया जाएगा, यहाँ से कमेंट्री में साफ नहीं दिखता है कि क्या पूछ रहा है। संचित भैया ने कहा कि कल हम बता देंगे, और शाहिद भाई तो ग्राउंड पर थे लेकिन वो भूल गए थे कि कमेंट्री बॉक्स कहाँ बनता है, तो यहाँ बना दिया। तो नतीजे ये बता रहा था तुम्हें शुरू किया फिट पहुंचे खेलेंगे और बहुत उमदा डिलीवरी। अब रफ्तार के सौदा का रफ्तार निकाल रहे हैं, गेंदबाज अंधेरा भी है, रफ्तार भी है, लाल भी है, सब कुछ गेंदबाज के फेवर में है, सब कुछ बर्फ में दिख रहा है और बल्लेबाज के खिलाफ है और गेंदबाज के पास है। गेंद भी लाल है, लास अंधेरा भी है, रफ्तार भी है, रवाना के पास तैयार। और ये फिर बीट करने में कामयाब, क्या दिलकश गेंदबाजी हो रही है, तालिब की बेहतरीन गेंदबाजी तालिब ने किया। दो ओवर में 5 रन देकर 3 विकेट ली, कमर तोड़ दी पहले ओवर में ही। लेकिन दिन अच्छा है फाफा मऊ का, उत्तम 11 फाफा मऊ का दिन अच्छा है। गेम उस स्तर का नहीं है, गेम उसके स्तर का नहीं खेला जिसके लिए जानी जाती है उत्तम 11 फाफा मऊ। उनको अपने खेल में होमवर्क करना होगा, होमवर्क करके अगले दिन इस ग्राउंड पे आना होगा, फसा ना होगा तब काम देने वाला है। रबाना एक में काफी लगातार उसी लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, मानो वसामा गेंदबाजी कराना हो और दीपू गेल लगातार जैसे उसे बीट कर रहे थे वो भी अंदाज गेंदबाजी कर रहे हैं। बेहतर ये खेल चल रहा है आपके सामने, अब तक ये सुबह की 5 गेंदें हो चुकी है और ये आप देख रहे हैं ये ओवर किस बात पे, मेडन वारन 16 रन पर रोक कर मुकाबला जीत लिया है। तो मैन ऑफ द मैच नो डाउट यहाँ पर तालिब को दिया जाना चाहिए दोस्त, तालिब मैन ऑफ द मैच, 2 ओवर 3 विकेट 5 रन तालिब। और उसके पहले वाले मैच में अमित है मैन ऑफ द मैच, अमित भी आ जाए उससे पहले वाले मैच, चलिए भैया मिलते हैं और इस मैच में अब कल, आज तो मिलेंगे नहीं, अब कल सादमान जो बैनर पे मारे थे महेंद्र प्रताप यादव के, डायरेक्ट गेंद लगी थी, उसका इनाम आके ले ले, 2,100 रुपए।